88 में जो आपने देखे जितनी ये सिखों की फाइलें थी बेदनी नूद का तक कि मैंने वो हमने सारी हमने पाकिस्तान के हवाले से जितनी है हमने उनकी सपोर्ट की है, हमने इनको सारी फाइलें दी हैं। उनकी रिकॉर्ड या बेदनी का आप भी बयान देखे पीछे चल जाए 88 में ये पड़ा हुआ है। इसका मतलब खालिस्तान का कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक तो था, वो तो तलक था हर बंदे का कहीं ना कहीं, जैसे देखे कश्मीर का तलक था, हर बंदे के अपना कुछ मफादत होते हैं, हमारे अपने मफादत थे, उनके अपने मफादत थे, उन्होंने 71 में देखे भक्तिमानों का साथ दिया, आप बंगला से लैदा हो गया, तो हमारी भी कोशिश यही थी कि हम सिखों का साथ दे तो ये बांग्लादेश से लैदे, ये इंडिया से लैदा हो जाए। वो ईमानदार है अपने मुल्क के लिए, अरे वो इंडिया वाले तो हमारे मुल्क के जो बेईमान है, चोर है, फ्रॉडी है, इनके ऊपर इंटरेस्ट ही कोई नहीं करता। अच्छा, हम तो ईमान के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार, ठेकेदार ही है, बस ठेकेदार है, लेकिन ना हडराम ठेकेदार है। जो सऊदी है उसने अपने तलकात बेहतर करने हैं इंडिया के साथ, उसने हमारा क्या लेना देना है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कितने क्राइसिस चल रहे हैं, कितने 2500 रुपए तक, इधर कितने रुपए यूनिट है, इधर देख लें जो 70 रुपए का यूनिट, जो कमर्शियल यूनिट 70 रुपए का रोल बॉन्ड है, कमर्शियल यूनिट 70 रुपए का चल रहा है। मैं 2 शादियां कराइया ने, जो तो मेरा विह मैं 25 रुपए देना हाँ बुढ़ी, बुढ़ी लत्त भी घोट दी मेरी, अज 5000 लेंदी कुड्डे भी मार दी। चलो ये तो आपने अपने महंगाई बड़ी है, आपने 2 क्यों की, ये भी तो देखे ना महंगाई इतनी और आपने 2 कर ली, और सस्ता जमाना ही कर लिया, मोहत होनी थी। मजीबुर रहमान का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा है, कहता जो पाकिस्तान के हालात ना, जो 5 नारे लगते हैं, एक इस्लाम के नाम के नारा लगता है, एक दूसरा नारा लगता है इकानमी के नाम पे लगता है, दूसरा जो जो कश्मीर का लगता है, दूसरा तीसरा इंडिया का, चौथा लगता है, यही चीजें हम इन्हीं चक्रों में आज तक जो हमारे 70 साल है ना, पाकिस्तान तो ये बिल्कुल साथ लगता है इंडिया के, हम क्यों नहीं रिलेशन, मतलब सऊदीया इस्लामिक कंट्री है ना, अगर वो ये रिलेशन बेहतर कर सकता है तो हमें यहाँ पे क्यों बताया जाता है जी वो हिंदू हैं, उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर करने, वो इंडिया है, नहीं कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान, फिर क्यों नहीं किया। हर बंदा जो मजबूर है, घर के हालात बेहतर होंगे, कोई राशन बेहतर होगा तो फिर आगे कोई कपड़ा बिजनेस बेहतर होगा ना, हालात है। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि IMF की अगर बात करें, पहले तो IMF हमें पैसे देता था, बेशक सूद समेत वापस भी लेता है या लेने हैं, लेकिन अब वो कहता है हम पैसे नहीं देंगे जब तक आपके कोई कंट्री आप पे आपके हवाले से हमें गारंटी नहीं देगा, तो कोई कंट्री गारंटी क्यों नहीं दे रहा, गारंटी इसलिए कोई भी नहीं दे रहा है भाईजान, बात सारी है कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, जो ऊपर जो गवर्नमेंट है वो सारा टोला गया, आगे भी IMF ने उन लोगों के साथ ही काम किया है जो पहले लोन दिए हैं, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, नहीं तो आगे कोई मजबूत गवर्नमेंट होगी तो वो हमारे साथ कारोबार करेंगे ना, जो सियासी हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, मुल्की हालात हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, हर बंदा परेशान है। हमारे रिलेशंस जो उनसे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इवन इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वैसे तो हमें ओवरऑल सब कंट्रीज की बात करनी चाहिए, लेकिन इस्लामिक कंट्री सऊदी या UAE की बात करें वो गारंटी नहीं दे रहे, जबकि वही कंट्रीज इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। अंडर वाटर केबल अभी खबर ये है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इंडिया और सऊदीया UAE ये अंडर वाटर केबल, पावर केबल जो उनसे हैं वो अपना बिछा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। पता क्या बात है, हर बंदे के एक बिजनेस तलक आता है, हर बंदा अपने मुल्क की इकानमी देखता है, अपने वो ये नहीं देखता वो पाकिस्तान क्या है, ईरान क्या है या इराक क्या है, वो अपने रिलेशन देखता है, अपना बिजनेस देखता है, होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए हर बंदे का नेचर यही है, दिन यही है, जो सऊदी है उसने अपने तलकात बेहतर करने हैं इंडिया के साथ, उसने हमारा क्या लेना देना है। अच्छा आपने बोला कि सऊदीया ने अपने तल्लुकात बेहतर करने हैं, हमारा क्या लेना देना, हम क्यों फिर बीच में ये ले आते हैं, वो इस्लामिक कंट्री है, वो नॉन इस्लामिक कंट्री है, वो काफर है, उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर, अगर सऊदीया कर सकता है वो भी मुसलमान है तो हम क्यों नहीं कर। पता क्या बात है, मजीबुर रहमान का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा है, कहता जो पाकिस्तान के हालात ना, जो 5 नारे लगते हैं, एक इस्लाम के नाम के नारा लगता है, एक दूसरा नारा लगता है इकानमी के नाम पर लगता है, दूसरा जो कश्मीर का लगता है, दूसरा तीसरा इंडिया का, चौथा लगता है, यही चीजें हम इन्हीं चक्रों में आज तक जो हमारे 70 साल है ना, इन्हीं चक्रों में वो जो इन्हीं चक्रों में हमारे गुजर गए, ये हमारी अब माइंड बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जो गुजरांवाला शहर में सिटी में हम मौजूद हैं, वहाँ के लोगों की भी यही कहना है कि सोच बदलनी चाहिए, 70-75 साल से हमें मजहब के नाम पे, हमें कश्मीर के नाम पे, हमें इंडिया के नाम पे डराया गया, धमकाया गया, बरगलाया गया, लेकिन कुछ बेहतरी नहीं आई। अब सोच के बांग्लादेश की इकानमी कहाँ चल गई, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, हमारे दाएं बाएं देखे लोग कहाँ से हम बह क्यों है। बांग्लादेश की बात करें वो भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, बांग्लादेश के इंडिया के साथ बेहतर है, सऊदी के साथ बेहतर है, चाइना के साथ बेहतर है, बर्मा के साथ बेहतर है, उन्होंने तो अपने आप किसी के साथ खराब नहीं किया, तो वो भी इस्लामिक कंट्री है, लोग आप देखते हैं तल्लक देखते हैं, अपने मुल्क का मफाद देखते हैं,
वो नहीं देखते, जहाँ से पैसे लिए उसके पीछे चले गए। अमेरिका दिया जो मैं लोन दिया हम उसके पीछे चले गए, रशिया दिया दिया उसके चले, तुर्की से दिया तुर्की के पीछे चले गए। लोग सऊदीया ने कहा कुछ एड दी तो हम सऊदीया। हाँ, वो हमारे मुल्क में बेहतरी 75 साल यही कुछ हुआ है। अब माइंड लोगों का बदल गया है, सोच बदल के हर बच्चे का माइंड बदल, हर बंदा सेंसेबल है, कारोबार है, सूझबूझ हर बंदे को अच्छे बुरे की तमीज है। आप कह रहे हैं सोच बदल गई, आपको लगता है आपको नहीं लगता कि आज भी इंडिया के नाम पे एक मिनट पे हम किसी को भी वर्गला सकते हैं, गुस्सा दिलवा सकते हैं? लेट्स सपोज इधर मैं खड़ा होकर कह दूं ये इंडिया के हक में बात करता है तो साथ ही आपके खिलाफ लोग हो। पता क्या बात है, हर बंदे का माइंड है, हर बंदा सेंसिबल है, उसको पता है ये गलत है ये सही है, हर बंदे को पता है। आप है मैं हूँ ये छोटा, हर बंदे को पता है। वो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, देखें जो उधर जो आतंकवादी हैं, जो उनके नाम उनके मजहबी जमाते हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, देखें कुछ 10 बंदे में से एक बंदा तो बुरा होता है हर जगह में, हर घर में भी होता है। यही मेन पॉइंट है, आप दुनिया का कोई कंट्री उठा लें वहाँ पे बुरे लोग तो मौजूद होंगे, क्राइम भी मौजूद होगा। देखना ये है कौन सा कंट्री ग्रो कर रहा है। आज इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है आपको पता है? क्राइम देखें, क्राइम अमेरिका में थोड़ा है, बहुत ज्यादा क्राइम है उधर, देखें झगड़े हैं, कत्ल कर तो भी बहुत है, मगर फिर अमेरिका उधर सुपर पावर है। कौन सी, चाइना में नहीं है? चाइना में बहुत ज्यादा है, इंडिया में नहीं है बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश में क्या कुछ नहीं है, गुर्बत कहाँ से कहाँ है। आज देख लो उसके जो रिजर्व बदल के है ना $50 अरब से ज्यादा है। देखे हमारे अफगानिस्तान ने इतने साल जंग लड़ी है, आज उनकी करेंसी हमारे से बेहतर नजर आती है। बल्कि कहते क्या बात है, हर बंदे की ग्रोथ है, हर बंदे ने एक सिस्टम बनाया, वो अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं लोग। हम इधर क्या करते हैं, हमारा तो यही है, कभी इंडिया के पीछे लग गए, कभी किसी के पीछे लग गए, कभी किसी के खिलाफ हो गए, कभी किसी। देखे फ्रांस में या डेनमार्क में आप की शान के आपको गुता हुई है तो ठीक है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब तक तो कोई चीज़ नहीं हमारे लिए, हमें तो उनकी जो में भी हुई हो, मगर ये देख ले किसने, कौन सी कंट्री ने अभी तक उनका बायकॉट किया इस्लामी में, कहाँ बहुत ज़्यादा मजारे हुए हैं, सऊदीया में मजारे हुए हैं, एक दो दिन के लिए हुए हैं ना, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कुछ भी नहीं हमारे लिए, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा उनका जो नाम है, उनका जो मकाम है अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताएं पाकिस्तान में बेहतरी कब आएगी, कैसे आएगी, कब तक हम मजहब के नाम पे लड़ेंगे और ये नहीं देखेंगे कि जहाँ से इस्लाम आया, सऊदीया से इस्लाम आया ना स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ, बाद में जो हकीकत है वो लोग इंडिया के साथ या नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, हालांकि इंडिया सेकुलर कंट्री है लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ वो कैसे अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हमारी आंखों में अभी तक पट्टी अगर बंधी है, बंधी हुई है, क्यों बंधी हुई है? बंधी हुई है क्या, जो हमारे सियासतदान है, हर बंदे के अपने मफादात है, हर सियासी जमात के इंडिया के साथ अपने सियासी मत, बेशक वो पीपल पार्टी गवर्नमेंट है, जो देखे 88 में जो आपने देखे जितनी ये सिखों की फाइलें थी बेदनी ने खुद कहा था कि मैंने वो हमने पाकिस्तान के हवाले से जितनी है हमने उनकी सपोर्ट की है, हमने इनको सारी फाइलें दी हैं उनकी रिकॉर्ड या बेदनी का आप भी बयान देखे पीछे चल जाए 88 में ये पड़ा हुआ है। इसका मतलब खालिस्तान का कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक तो था, वो तो तलक था हर बंदे का कहीं ना कहीं, जैसे देखे कश्मीर का तलक था, हर बंदे के अपना कुछ मफादत होते हैं, हमारे अपने मफादत थे, उनके अपने मफादत थे, उन्होंने 71 में देखे भक्तिमानों का साथ दिया, आप बांग्लादेश से लहदा हो गया, तो हमारी भी कोशिश यही थी कि हम सिखों का साथ दे तो ये बांग्लादेश से लहदा, ये इंडिया से लहदा हो जाए, बदला ले रहे हैं। हर बंदे की सोच है ना, ये वाले ये सोच बदल सकती है, हम बदलनी चाहिए और कैसे बदलेगी? देखें इसके अंदर मेन रोल, मेन इशू क्या है, मेन इशू क्या है, मीडिया इशू है, हमारे अदारे इशू है, गवर्नमेंट इशू है, कौन इशू है मेन जिसकी वजह से सोच नहीं बदल पा रही? क्या बात, एजुकेशन सिस्टम लोगों का मियाद तमीज बेहतर होगा, लोगों का रोजगार बेहतर होगा, हर सोच बदलेगी, अगर ये चीजें नहीं बेहतर होगी तो आज 70 साल बाद भी हम इधर ही होंगे। ये बहुत बड़ी बात की है कि अगर सोच नहीं बदलेगी, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, अवेयरनेस नहीं आएगी तो आज जो यहाँ पर बैठ के हम बात कर रहे हैं, शायद अल्लाह ना करे 70 साल बाद भी हम हमारे जैसे लोग यहाँ पे बैठ के यही बात कर रहे हो कि कैसे। ये देखें ना मेरी बात, सिस्टम का ये है, एक ये असिस्टेंट कमिश्नर है जी। इसका देखें सर्म स्केल है जी, उसको 4 गार्ड भी लाओ है, 1-50 लाख की घर भी लाओ है, एक जो गवर्नमेंट स्कूल का हेडमास्टर है, वो देखो सार मुश्किल है, कहते हैं जी हमने बहुत मेहनत की, हमने इतना मुश्किल इम्तिहान पास किया, अब हमारा ये बनता है, बस नहीं ना वो बनता है, ऐसे नहीं बनता, उन्होंने तो मेहनत की है ना, उसको क्यों चीज नहीं, ये चीज उसको एक साइकिल ही मुझसे जो है 17वें ग्रेड का जो हेडमास्टर है वो भी तो एक जो 17वें ग्रेड का अफसर है जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको 60 लाख की गाड़ी मिली है, 4 गार्ड भी मिले हुए। बांग्लादेश वालों की कैसे सोच बदल गई, वो भी हमारे साथ ही थे, इंडिया वालों की कैसे सोच बदल गई, वो भी 1947 से पहले हम सारे एक साथ, क्या बात है उनकी कैसी सोच, उनकी सोच इसलिए बदल गई, उन्होंने सारा कुछ साइड पे रखा है,
अपने मुल्क के हालात बेहतर किए, अपनी इकॉनमी बेहतर की है, अपने अपने कैसे पता चला कि हमने ये चीजें साइड पे रखनी है। अगर बांग्लादेश की बात करें उसे कैसे पता चला मजहब को थोड़ा साइड पे रखने, अपने हद तक हम जो भी दिल से प्रैक्टिस करें लेकिन जहाँ कंट्री की बात आती है उधर कंट्री को उन्होंने 23 साल हमारे साथ रह के सारा कुछ देख लिया था, उन्होंने हमारे से सबक सीख लिया लेकिन हमने खुद से सबक अपने पास से हम तो भाई जान सबक सीखेंगे ना। जहाँ तक हमारे सियासतदान ठीक होंगे इकॉनमी नहीं बेहतर होगी, ये लोग बेहतर नहीं होंगे तो कहाँ बेहतर होंगे, ये बात है। जैसे अभी मैं खबर आपको बता रहा था कि उनका प्रोजेक्ट होने जा रहा है अंडर वाटर जोन है, वो अपना पावर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, यही साथ पाकिस्तान है। अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कितने क्राइसिस चल रहे हैं, कितने 2500 रुपये तक, इधर कितने रुपये यूनिट है, इधर देख लें जो 70 रुपये का यूनिट, जो कमर्शियल यूनिट 70 रुपये का रोड बॉन्ड है, कमर्शियल यूनिट 70 रुपये का चल रहा है, यही अगर यूएई फायदा ले सकता है, सऊदीया फायदा ले सकता है तो इंडिया से हम भी फायदा ले सकते थे, तो रिलेशन भी बेहतर होते और दूसरे नंबर पे हमारा अपना फायदा हो जाता। हाँ बस यही है ना, मगर सोचते ना कोई भी ऊपर सोचे, सियासतदान सोचे, मिलिट्री सोचे, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सोचे, फिर बेहतर होना। इसमें कोई शक नहीं कि जहां हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जहां हम ये कहते हैं एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट, कहीं ना कहीं अदारों को भी चाहिए कि जो उनके रोल हैं वो अपने रोल को प्रॉपर तरीके से अदा करें। ठीक हो गया। अच्छा उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी तो है, उनकी बड़ी 14 लाख की तकरीबन अगर आर्मी की बात करें, आर्मी है, वो क्यों नहीं इंटरफेयर करती, इंटरफेयर नहीं ना सियासत में उनका, इंटरफेयर नहीं पहले दिन से नहीं, मगर उन्होंने एक लैंड एंड लेंथ में हर चीज रखी हुई है, लिमिट्स में रखी हुई है ना, इधर में जैसे जैसे बंदे माल में एस्टेब्लिशमेंट मारा, सियासत हर किसी के साथ, किसी के जो रिलेशन है, किसी का साथ है, तो उस हिसाब से ये सिस्टम चल रहे हैं, ये सिस्टम चल रहा है और ट्रेंड बन चुका है, लेकिन अब वक्त है हमें ट्रेंड बदलने का। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बड़ी ऑथेंटिक बातें की, बड़ी सीधी सीधी भाई ने बातें की, और अगर यही सोच हमारे हर पाकिस्तानी की हो कि भाई हमें मजहब फॉलो करें अपने तौर पे, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात है, जहां कंट्री की बात है, वहां कंट्री को आगे रखें। सऊदीया अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, सऊदीया अगर दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, तो हम कहां के मुसलमान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी चाहिए कि हम अपने मजहब को अपनी जगह पे फॉलो करें लेकिन पाकिस्तान को भी आगे लेकर जाएं। पाकिस्तान होगा तो ही हम फिर आजादी से मजहब को भी आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरफान मजीद। अरफान भाई क्या करते हैं आप? कपड़े का काम। ठीक है, ये शॉप आपकी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। बिजनेस कैसा चल रहा है ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं। बिजनेस रो के चल रहा है। रो के मतलब ठीक नहीं चल रहा, मतलब तो सीजन होता है, महंगाई बहुत हो गई है ना। कपड़े की अगर बात करें, ये तो शादियों का सीजन है पाकिस्तान में, तो इसमें ये शादियों का सीजन नहीं, बर्बादियों का सीजन हुआ है, काम ही नहीं है, काम स्लो। ठीक है, ईद गुजरी है, कैसा रहा कारोबार? वो भी ऐसा नहीं गुजरा कि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। चले रेट ही नहीं बन रहा था हमारा, ठीक हो गया महंगाई की वजह से। ठीक है, आपने कुछ बोला क्या महंगा? बिजली में बिजली बहुत ज्यादा महंगी है। बिजली के ठीक है, बिजली के हवाले से हम बात करने लगे हैं। और दूसरा ये कि आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ कहता है पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे जब तक कोई दूसरा कंट्री गारंटी नहीं देगा, क्या वजह है? सऊदीया है, यूएई है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, फिर इस्लामिक कंट्री को छोड़े चाइना है, क्यों नहीं गारंटी दे देते हैं? सब मतलब के लिए देते हैं गारंटी, कौन वैसे देता है कि भले के लिए दे, किसी के अच्छे के लिए दे गारंटी, कोई भी नहीं अच्छे के लिए देता। तो हम तो इस्लामिक मुस्लिम उम्मा है, सारे यूनाइटेड है, ये कहा जाता है इस्लामी है मुल्क, लेकिन वो फायदा ही कोई नहीं रह गया मुल्क का, फायदा नुकसान ही नुकसान है, हर चीज तो महंगी है। इन्होंने जो लूट के खा गए सारा कुछ, तो उसकी वजह से हालात इस तरह के हैं। हालात इस तरह के हैं। ये भाई ने बिजली सारे सियासतदान लूट के खा गए, बिजली नल लूट के खा गए, बिजली की बात की, बिजली बहुत महंगी है। अभी खबर ये है कि सऊदीया और यूएई इंडिया के साथ अंडर वाटर पावर केबल्स जो सी है वो उनके ऊपर प्रोजेक्ट करने जा रहा है, यानी कि सऊदीया और इंडिया की कनेक्टिविटी होगी पावर केबल के हवाले से। तो क्या वजह है, सऊदीया अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर करके अपना बिजनेस कर सकता है, बिजली हासिल कर सकता है, फायदा ले सकता है, ये हमारे साथ इंडिया, हम क्यों नहीं ये कर सकते, हमारे बीच में क्यों ये आ जाता है, ये वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम इंडिया काफर ये चीज़ें? वो ईमानदार है अपने मुल्क के लिए, वो इंडिया वाले, तो हमारे मुल्क के जो बेईमान है, चोर है, फ्रॉडी है, इनके ऊपर इंटरेस्ट ही कोई नहीं करता। अच्छा, हम तो ईमान के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार, ठेकेदार ही है, बस ठेकेदार है। ठीक है, लेकिन ना हडराम ठेकेदार है। अच्छा, चेंज कैसे आएगा? देखें, हमें रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, बजाय किसी से भीख मांगने के हमें बिजनेस करने की जरूरत है। आप तो बिजनेसमैन, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, यहाँ भीख मांगने वाले की इज्जत है इस बाजार में या बिजनेस करने वाले की? बिजनेस करने वाले की, भीख वाले की इज्जत ही कोई नहीं है। ये क्यों भीख की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ क्यों? इन्होंने अपने महल बनाने, कोठियां बनानी है, इसलिए वो भीख मांगने जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, मुल्क के लिए नहीं जाते।
अपने लिए भीख मांगते है, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा सोतिया अगर रिलेशन बेहतर कर सकता है हमें भी करने चाहिए, हो ही नहीं सकते, हमारे ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं कर रहा। तुर्की में वो इंटरेस्ट नहीं कर रहा, तुर्की में जलजला आया, वो गैर मुल्की पाकिस्तानी था लड़का, उसने इतना पैसा दिया, इनके ऊपर कोई इतमाद ही नहीं करते, अपने नहीं इतमाद करते, तो वो कैसे इतमाद। मिलियन डॉलर ऑलमोस्ट 30 से 20, 850 करोड़ रुपया दिया उसने, बड़ी बात है, वो तो इंडिया ने भी बड़ी है, वो मेरे सऊदी अरब तो दूर की बात, हमारे अपने नहीं इंटरेस्ट करते, वो इतमाद ही नहीं करते, यही चीज है, इतमाद इसलिए नहीं करते, ट्रस्ट इसलिए नहीं करते कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमें ये नहीं पता आज किसी की गवर्नमेंट, आज किसी की हुकूमत होती है, कल किसी की हुकूमत, कर्जा लेते हैं जो भीख मांगते हैं, अपने महल अपने प्लाजे सारे सियासतदान, सारे जर्नैल, चेंज आ सकता है जज जी, चेंज आ सकता है कि नहीं, ऐसे ही हम रोते रहेंगे जी, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, कोई अल्लाह की तरफ ध्यान है, मौजदा ही है कोई, बस मौजदे की शक्ल ये, बस हमारे ऐसे काम कोई नहीं, नहीं नहीं कोई, सब चोर है इधर। देखें जी बड़ा बड़ी शर्म आती है जब इस तरह की स्टेटमेंट कोई दे या हम खुद ही दें, क्योंकि कहा यह जाता है ये तो पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है ऐसी स्टेटमेंट देने से कि यहाँ पर सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सब भीख मांग रहे हैं, लेकिन हमें हकीकत बता, अच्छे लोग हैं लेकिन वो ऊपर ही नहीं आ रहे, उनको आने ही नहीं दे रहे, वो अच्छी बात जो करता है, जो रिलेशन बेहतर करने की बात करता है, उसे ये कह दिया जाता है ना ये तो एजेंट है, ये तो अमेरिका के कहने पे कर रहा है, ये तो इंडिया के कहने पे, हाँ जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब हमें सोच बदलने की जरूरत है, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो अभी भी वक्त है कि जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए, हमारे रिलेशंस बेहतर हों, ना सिर्फ इंडिया के साथ, हमारे बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, जहां जहां पे हमारे बिजनेस से फायदा हो सकता है, जहां जहां हमारे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, वो हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए। यहाँ पे ये सारे आपके पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, सारी पाकिस्तानी माशाल्लाह, जबरदस्त, ये अच्छी बात है जी, अगर आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट, चाइना की कोई नहीं, कोई नहीं, गैर मुल्की बात, पक्का गारंटी 90 साल की, ये भी अच्छी बात है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद साहब बिजनेस करते हैं आप जी, बिजनेस सबसे पहले ये बताएं कैसा चल रहा है, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। बस अच्छा चल रहा है, तो हमारी नीयत अच्छी हो तो काम भी अच्छा ही होगा। ये बड़ी अच्छी बात है, नीयत अच्छी होगी तो काम अच्छा ही चलेगा। पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा तो क्या पाकिस्तान की नीयत नहीं अच्छी है? जो सियासतदान है ना वो अच्छे नहीं है, ना फौज में है ना सिविल में। IMF की अगर बात करें, IMF पैसे नहीं दे रहा पाकिस्तान को, हालांकि उसने सूद के ऊपर पैसे देने हैं, उसने वापस भी लेने हैं और बड़े डबल करके वापस लेने हैं, फिर भी वो कहता है कि गारंटर लेकर आओ, पाकिस्तान कोई गारंटी देगा कि कोई कंट्री पाकिस्तान की गारंटी देगा तो ही हम पैसे देंगे। पाकिस्तान के गारंटी तो किसी ने भी नहीं देनी, पाकिस्तान इसी हाल में रहना है। क्या जो वजह है? इस्लामी कंट्री सऊदीया है, UAE है, हमारे सियासतदान नहीं अच्छे है, सियासी लोग जो है वो नहीं हमारे के तामन कर रहे, वो लेते हैं जब कर्जा लेते हैं वो खा जाते हैं, वो मुल्क पर नहीं लगाते, किसी शहरी पर नहीं लगाएंगे। नहीं वो ठीक है, लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो हुआ हमारा घर का, मतलब पाकिस्तान का मामला, दूसरे कंट्रीज इस्लामी कंट्रीज खास तौर पे क्यों नहीं हमारी गारंटी दे रहे? तमाम नहीं ना उन लोगों का है, जबकि इंडिया की अगर बात करें उसकी तो बड़े रिलेशन बेहतर, सऊदीया के साथ वो अपना अंडर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी केबल, उनको काम चलता है ना उनको, वो अच्छा तावन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये हम लोग एक दूसरे के वो हम उससे ले लेते हैं मगर वापस देने के लिए हम दूसरी बात कर जाते हैं कि हमारे पास है कुछ नहीं है, वो खा गया ये वो। अच्छा, हो गया वो लिया। सऊदीया पावर प्रोजेक्ट कर सकता है इंडिया के साथ, UAE पावर प्रोजेक्ट कर सकता है इंडिया के साथ, अंडर वाटर जो है वो अपने पावर केबल्स जो है बिछा रहे हैं तो जा रहे हैं लेकर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो ये बिल्कुल साथ लगता है इंडिया के, हम क्यों नहीं रिलेशन, मतलब सऊदीया इस्लामिक कंट्री है ना, अगर वो ये रिलेशन बेहतर कर सकता है तो हमें यहाँ पे क्यों बताया जाता है जी वो हिंदू हैं उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर करने, वो इंडिया है नहीं कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान, फिर क्यों नहीं किया? उनकी नीयत अच्छी है ना, एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं ना, तावन कर रहे हैं ना। अंकल जी हमारे साथ, हमारे साथ कोई किसी ने भी नहीं चलना, क्यों नहीं चलना? क्यों हमारे अंदर की खराबियां दूर नहीं होगी तो हम किसी ने साथ देना नहीं हमारा। ठीक है भाई जान, कैसे खराबियां दूर होंगी? मैंने और आपने पाकिस्तान को चलाना है, हमने ही पाकिस्तान की बेहतरी का काम करना है, क्या कहेंगे? ए भाई जान दसा की यार, साडा जो हुक्मरान है वो ठीक, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। लो ना भी सुनो हड तो आयो आप, वैसे ही बताएं बड़ी गपशप इंटरेस्टिंग सी चीज। क्या टीवी है? ये वेब चैनल है, ठीक है। उसके हमारा टॉपिक ये है कि अभी IMF पैसे नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है कि कोई गारंटी देगा कोई कंट्री तो ही हम पैसे देंगे, क्या वजह है? सऊदीया हो गया, UAE हो गया, बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमारी गारंटी क्यों नहीं दे रहे?
ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੋ ਜਿਨਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੇ ਕਹਨੇ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਜੋਨਸਾ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਸ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੀ ਬਸ ਹਾਂ ਕੈਸੇ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜੇ ਹਮ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹਮਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਕਬ ਹੋਏਗੀ बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं बातें करेंगे ये हम वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे मगर करना कुछ भी नहीं हमने आपको नहीं लगता हमें रिलेशंस बेहतर करने चाहिए नेबर्स के साथ हाँ लेबर के साथ भी अच्छा तावन करना चाहिए आप देख ले कि हमारी इंडस्ट्री 80% बंद हो चुकी है इस वक्त लेबर भी हमारी जो वो भी नहीं काम जा रहे हैं इससे पहले देख लो आप बांग्लादेश को देख लो वो हमसे कहीं दूर आगे चला गया यही वजह है कि वो एक वो अपने मुल्क से बेहतरी करते हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं यही चीज़ें हैं अच्छा लगा बात करके आइए मजीद किसी से बात करते हैं बहुत शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया हलम अस्सलाम वालेकुम निवाज साहब आपका नाम शेख अब्बास शेख साहब वहाँ मैं अंकल से इंटरव्यू कर रहा था आप आए आपने भी बोला बात करना चाहते हैं मेरा टॉपिक ये है कि क्या वजह है इस्लामी कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो कोई भी कंट्री पाकिस्तान पे उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहा रिलेशन बेहतर नहीं है जबकि सऊदीया की बात करें यूएई की बात करें इंडिया के साथ बहुत तेज़ी से रिलेशन ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि अंडर वाटर पावर केबल्स उनकी बिछ रही हैं लेकर जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर नहीं ठीक नहीं ना है साढ़े सहूलत नहीं दे रहे कोई आवाम परेशान कर रहे हैं परेशान कर रहे ने